हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज इंग्लिश का पेपर था कक्षा 12 वाले छात्रों का, तो ये जो सेट मिला हुआ है 316 ए है, तो जिन छात्रों का है वो मिला लेंगे अपना आंसर। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, फटाफट जाओ जाकर जुड़ जाइए, जाके जितने भी पेपर बचे उनका आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पेपर मिला बिल्कुल साफ तो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो हम आपको यहाँ पे एनालिसिस करवा देते हैं एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम दोस्तों देख सकते हैं सेक्शन ए जो था आपका रीडिंग से था, तो रीडिंग से जो भी आपने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा सब मान्य है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन बी दोस्तों आपका क्या आर्टिकल था, आर्टिकल में तीन में से कोई एक आपने किया होगा, हमने बहुत चिल्ला करके आर्टिकल बताया था और आर्टिकल आया भी है। ठीक है, लेटर के लिए भी हमने बताया था, लेटर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर आपका सेक्शन सी आ जाता है, ग्रामर में फटाफट आप सभी मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है, ए का सेकेंड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। और बी में जो है, बी में आपका तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और सी में जो है आपका, यहाँ पर अगर बात करें सिनोनिम्स पूछा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ दोस्तों अगर बात करें तो तीसरा भी आपका सही होगा, चौथा भी अगर आपका सही होगा, बोथ देता है तो सही है, बट अगर आपने तीसरा मारा है तो भी सही है, चौथा मारा है तो भी आपका सही है। डी जो है आपका, डी का जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ईरर पूछा, यहाँ पर जो ईरर हुआ है वो मेनी का ईरर है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ई में जो है, ई का आपका तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एराइवल एंटोनिम्स पूछा हुआ है, एराइवल का डिपार्चर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा पेपर के आगे पीछे, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन में पूछा हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, कीपिंग क्विट का, माई मदर एट 66 का हमने बताया था कि ये तैयार करके जाइएगा, पेपर में 100% आएगा। तो आप लोगों ने तैयार करके गए होंगे और अच्छे से आपने पेपर भी दिया हुआ। और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपका क्या क्वेश्चन आंसर है, तो आप बना करके आपने पेपर को किया भी हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया, और हाँ सही बच्चे ध्यान देंगे, और आपको इंग्लिश पर समय व्यतीत करने की जरूरत अब नहीं है। अब फटाफट जो है, जिन छात्रों का बायोलॉजी का पेपर है 27 तारीख को, तो बायो की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और जिन छात्रों का मैथ का पेपर है तो बिल्कुल मैथ में जुड़ जाइए, ताकि अपने पेपर तो इंग्लिश का दे ही रखा है। ठीक है, अब ये तो कुछ बदलने वाला है नहीं, तो कम से कम जो है अब फटाफट जो है बायोलॉजी और मैथ का तैयारी में जुट जाइए, और बहुत ही जल्द दोनों सब्जेक्ट का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।